सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डेल यूनिवर्सिटी का 2023 का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ड्यू को टारगेट कर रहे हैं, आज से दो साल पहले डेल यूनिवर्सिटी का पूरा एक डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर हुआ करता था। काफ़ी सारे डिफरेंट रूल हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वो रूल चेंज हुए हैं और अभी फाइनली 2023 के अंदर किस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप एडमिशन होने वाला है, फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक, यानी कि जब आप सीयूडी का फॉर्म फिल करेंगे वहां से लेकर के ड्यू के कॉलेज में एडमिशन लेने तक का पूरा सफर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको ड्यू के लिए कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़े। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। थोड़ा शांति से बैठिएगा, सुकून से बैठिएगा और एक कॉपी पेन ले लीजिएगा ताकि आप सारी चीजों को नोट डाउन भी कर सके, राइट। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, अगर अपनी तैयारी भी करना चाहते हैं सीयूटी की, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, वहां पर हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए, बाकी कोर्स की डिटेल्स वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी चलते हैं हम लोग सीधे सीधे अपनी वीडियो की तरफ, राइट। सो देखिए, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो, किसी भी कॉलेज को टारगेट करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेप ये नहीं है, यहाँ पर आपका पहला स्टेप है कि आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। डेल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वगैरह सब कुछ बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो सीयूटी का फॉर्म है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म, वो फॉर्म आपको फिल करना है, जो कि आपका फरवरी के आसपास आने के चांसेस हैं। जो कि रिलीज हुआ था नोटिस, उसके अंदर आपका फरवरी के अंदर सीयूटी का फॉर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको सीयूटी का जो फॉर्म है वो आपको यहां पर फिल करना है। और सीयूटी का फॉर्म फिल करने का मतलब भाई आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत सारी जानकारी को पता होना चाहिए। सबसे पहला पेज क्या होता है सीयूटी के फॉर्म के अंदर कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपसे यहां पर फिल करवाई जाती है। आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो बहुत ही बेसिक जो चीजें होंगी फर्स्ट पेज पर, वो आपकी सारी सारी बेसिक डिटेल्स फिल करवाई जाएंगी। उसके बाद जो पेजेस आएंगे वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको वहां पर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई कौन कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हो, किन किन यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो। तो उसके अंदर आप मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को सभी को आप फिल कर सकते हो, राइट। कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो सीयूटी के थ्रू, आपने बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज को फिल कर दिया। फिर उसके बाद जो स्टेप आएगा वो थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई आपको सीयूटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि मान लीजिए मुझे तो भाई डीयू से हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए मुझे सीयूटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट देने हैं, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली भाई cut.summer.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी की, उसको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ का आपको एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना। यूनिवर्सिटीज़ के टैब पर क्लिक करने के बाद आपको सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगी जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो। मान लीजिए आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, डीयू पे आपने क्लिक किया, फिर वहां पर आप बीए हिस्ट्री का क्राइटेरिया देख सकते हो कि बीए हिस्ट्री डीयू से करना है तो आपको कौन कौन से सीयूटी के अंदर टेस्ट देने होंगे, ज्योग्राफी करना है तो कौन से देने होंगे, आपको बीबीए करना है तो क्या क्या चीजें आपको देनी होंगी। तो देखो, आपको सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा, राइट। सपोज आप मान लीजिए बीबीए करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बीबीए करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, प्लस आपको मैथमेटिक्स का डोमेन देना है, प्लस आपको जनरल टेस्ट देना है। ये टेस्ट देकर के आप बीबीए कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, एक मैथमेटिक्स का टेस्ट आपको देना है, प्लस दो डोमेन देने हैं, इसके थ्रू आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, एक लैंग्वेज प्लस तीन डोमेन आपको देने हैं। तो ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है ये cut.summer.ac.in पर जाओगे तो वहां पर आपको सारा का सारा क्राइटेरिया पता चल जाएगा, राइट। तो आप जिन जिन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कौन कौन से टेस्ट सीयूटी के अंदर देने हैं। यहां पर बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं और उस वजह से मान लीजिए उन्होंने टेस्ट भी दे दिया, फिर लास्ट मिनट जाकर के डीयू जो है एडमिशन नहीं देता है, क्योंकि डीयू बोलता है भाई आपने तो गलत टेस्ट दे दिया, आपने ध्यान से देखा ही नहीं है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारे के सारे टेस्ट देखने के, मुझे सीयूटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट देने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। और स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि जो भी डोमेन आप चूज कर रहे हो, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज को छोड़ दो, अलग अलग क्राइटेरिया उनके हो सकते हैं, लेकिन जो भी डोमेन आप चूज कर रहे हो, डोमेन आपके वही होने चाहिए भाई जो 12th क्लास के अंदर आपने पढ़े हैं, राइट। सो डी यू बोल रहा है कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैथमेटिक्स का डोमेन देना है सीयूटी के अंदर, और अगर आपने मैथमेटिक्स 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि डोमेन्स आप वही चूज़ कीजिए जो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले क्या होता था कि भाई जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते थे, वो बीकॉम प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन अब वो स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं एंड बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स करने के लिए उनके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए, तो उन्हें एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, एक अकाउंटेंसी देनी पड़ेगी, प्लस उन्हें दो डोमेन और देने पड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग वो बीकॉम ऑनर्स कर पाएंगे, राइट। तो सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उस सारे सारे क्राइटेरियाज आप अच्छे से चेक कर लीजिए और सीयूटी के अंदर आप वो सारे सारे टेस्ट फिल कर दीजिएगा जिन कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो।
तो ये स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैंने आपको कर दिया है कि किस तरह से आपको चेक करना है, कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आप दे सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। राइट, फॉर्म आएगा तो उसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, अपने कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद आपको अपने जो टेस्ट सीयूटी के अंदर आपको देने हैं वो सारे के सारे टेस्ट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, फिर आपको सीयूटी की जो फीस है आपकी वो पे कर देनी है। अब जैसे ही सीयूटी की फीस पे कर दोगे देन आपका जो सीयूटी का फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से आपका फिल हो जाएगा। बाद में उसके अंदर करेक्शन विंडोज़ भी आती है, अगर आपकी उससे कोई गलती होगी तो आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से अपना जो फॉर्म है उसको आपको फिल करना है। राइट, तो अब तक बात थी सारी की सारी सीयूटी की, है ना, आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, देन इसके बाद सीयूटी का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा कि भाई आपको कहाँ पर जाकर के अपना टेस्ट देना है, किस एग्जाम सेंटर में जाना है, आपका आपको जो भी अपने टेस्ट सेलेक्ट किए होंगे, आपके कौन कौन से डेज पर सारे के सारे टेस्ट आए हैं वो सारे टेस्ट आपको दे देने हैं। देन उसके बाद सीयूटी का आपका एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, आउट ऑफ 800 है, आउट ऑफ 700 है, आउट ऑफ 600 है, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो अब आपके पास सीयूटी का आपने फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड आया, आपने टेस्ट दिया, अपना सीयूटी का स्कोर जो है वो आपके पास आ गया। तो एक चीज आपके पास अभी हो गई है वो है सीयूटी का स्कोर कार्ड। राइट, अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करने होते हैं जो कि सीयूटी के स्कोर्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली डीयू की बात कर रहे हैं तो आपको डीयू का फॉर्म फिल करना है, कोई बीएचयू टारगेट करे तो उसको बीएचयू का फॉर्म फिल करना होगा। तो अब आपका जो स्टेप आता है उसके अंदर आपको डीयू का फॉर्म फिल कर देना है, और डीयू के फॉर्म के अंदर आपको क्या करना होगा, सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है सबसे पहले आपको वही डालना है। जैसे आप सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर वहां पर डालोगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो मोस्टली सारी सारी डिटेल्स आपकी वहां पर फिल हो जाएंगी कि भाई आपने सीयूटी के अंदर कितना स्कोर किया है, सीयूटी के अंदर आपने कौन कौन से टेस्ट दिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी, वो सारी सारी वहां पर आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहां पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आती हैं डीयू के फॉर्म के अंदर, डेंसिटी के फॉर्म के अंदर। सबसे पहली होगी सब्जेक्ट मैपिंग। अब ये मुझे पता है आपके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल ही नया वर्ड है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट मैपिंग का यह मतलब है कि आपने जो सीयूटी के अंदर टेस्ट दिए डोमेन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर वो सारे के सारे टेस्ट लिखे होंगे, और राइट हैंड साइड पर आपको लिखना होगा कि 12th क्लास के अंदर वो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स डोमेन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड पर भी आपको मैथमेटिक्स लिख देना है अगर आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो आप नहीं लिख पाओगे, तो फिर जो आपने सीयूटी में मैथमेटिक्स दिया होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है कि भाई डोमेन्स आपने जो दिए हैं कि आपने वो 12th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं, जो लैंग्वेज दी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मैप करने पड़ेंगे, उनको लिंक करना पड़ेगा अपने 12th क्लास के और सीयूटी के सब्जेक्ट्स को। राइट, आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं। तो आपको बता देना है भाई डेंसिटी को कि आपने 12th क्लास के अंदर वो सारे के सारे डोमेन्स और सारी लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है, जो आपने टेस्ट दिए हैं, तो डीयू को पता चल जाएगा आपने ये सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़े हैं, है ना। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पे जाएगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कॉलेज एंड कोर्सेज प्रेफरेंसेस का। अब डीयू के अंदर 77 कॉलेजेस हैं, 77 कॉलेजेस के अंदर भाई डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है कि भाई नंबर वन पर मुझे कौन सा कॉलेज रखना है, कौन सा कोर्स रखना है, नंबर सेकंड पर मेरी क्या प्रेफरेंस रहेगी, थर्ड पर क्या होगी, फोर्थ पर क्या होगी। तो जब भी आपका एडमिशन होगा उस वक्त मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको आपके साथ शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और सभी स्टूडेंट्स उस लिस्ट के थ्रू अपनी जो प्रेफरेंस है उसको भी चूज कर सकते हैं। राइट, तो आपको उसके बाद क्या करना होगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपको वो सारी की सारी एक बार देखनी होगी। प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपको भाई उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है भाई मुझे हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। राइट, सेकंड प्रायोरिटी मेरी है भाई मुझे तो हिस्ट्री ऑनर्स करना है हिंदू कॉलेज से ही। थर्ड प्रायोरिटी मेरी है कि भाई मुझे तो कंप्यूटर साइंस करना है हंसराज कॉलेज से। फोर्थ प्रायोरिटी मेरी दोबारा से हिंदू कॉलेज का कोई कोर्स हो गया। तो जो भी आप कोर्स प्रायोरिटीज कॉलेज प्रायोरिटीज डालोगे वो आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बन जाएगी। उसके अंदर आप भाई 100 से भी ज्यादा प्रायोरिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो, बल्कि 200 से भी ज्यादा, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सारी सारी प्रायोरिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने जो फीस पेमेंट है आपके डीयू के फॉर्म की वो आपको कर देनी है। अब अपने आपके पास एक सीयूटी का स्कोर भी है, अब डीयू का फॉर्म जो है वो भी आपने फिल कर दिया है अपने सीयूटी से लिंक करके। देन इसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद डेंसिटी की मेरिट लिस्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। और मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होगा, जहां पर आपने डीयू का आपने लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल किया था, आपका एक पोर्टल बन जाता है डेंसिटी की वेबसाइट के ऊपर ही, तो वहीं पे आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही वहां पर आपको दिख जाएगा कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको कहीं पर एडमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है। तो अगर आपको कहीं पर एडमिशन मिला होगा आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको वहां पे कॉलेज का नाम आ जाएगा भाई इस कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स जो है ये आपको मिल गया है, आपकी ये वाली प्रायोरिटी थी। तो आपको अपने स्कोर के बेसिस पर आपको जो भी कॉलेज मिला होगा उस पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे जो कि 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर हो जाते हैं या फिर 1 या 2 दिन के अंदर होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वहां पर फीस पे का आपको ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको कॉलेज की पूरी 1 साल की फीस पे कर देनी है। और बहुत ज्यादा फीस होती है ड्यू की, आपकी 8,000 से लेकर के 20,000-22,000 के आसपास ही होती है, डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। तो आपको अपनी फीस 1 साल की पे कर देनी है, और जैसे आप फीस पे करोगे आपका फाइनल एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप था भाई A to Z, लेकिन अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, वो चीज़ को आप समझो। मान लीजिए आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपको अपनी प्रायोरिटी बढ़िया वाली नहीं मिली, आपको लग रहा है यार ये वाला कोर्स मुझे नहीं करना है, मुझे तो कोई और अच्छा कॉलेज चाहिए,
तो फिर सेकंड लिस्ट आती है भाई कुछ दिनों के अंदर अंदर। अब मान लीजिए अगर आपका सेकंड लिस्ट के अंदर फिर से किसी कॉलेज के अंदर आ गया है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, पिछले कॉलेज से विड्रॉल कराना है, दूसरे कॉलेज के अंदर फिर वही सेम प्रोसीजर करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपको फीस पेमेंट करनी है, फिर आपको जो अच्छा कॉलेज है आपकी जो ऊपर वाली प्रायोरिटी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको जो अच्छा कॉलेज है वो नेक्स्ट लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और यहां पर एक चीज और भी है कि अगर आपने अपनी मान लीजिए कि आपको कोई बढ़िया कॉलेज मिल रहा था, आपने वो सेलेक्ट ही नहीं किया, आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर आप फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे उसके अंदर। उसके बाद फिर कुछ स्पेशल कट ऑफ आएंगे वहाँ पे आप ले पाओगे। लेकिन इस तरह से नहीं है कि जब आपका मन करे तो आपने ले लिया, जब मन नहीं किया नहीं लिया। तो अगर आपका कहीं पर एडमिशन हुआ तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको विड्रॉल करा के नेक्स्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के अंदर एलिजिबल हो पाओगे, राइट। और फीस पेमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने मान लीजिए किसी भी कॉलेज की फीस पे की सबसे पहले, दूसरी लिस्ट के अंदर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपकी जो फीस है वो साइड साइड ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे कॉलेज के अंदर। अगर आपको कोई एडिशनल फीस पे करनी होगी तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी फीस थोड़ी सी कम पड़ेगी तो आपको मान लीजिए आप थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो आपको वापस जो फीस है वो आपकी वापस आ जाएगी बैंक में, जो आपकी फीस थोड़ी बहुत बच जाएगी, है ना। तो इसमें फीस की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह से आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा दिल्ली सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर। और हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे भाई, हमारे जो हमारे साथ जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, आज के टाइम पे वो हिंदू कॉलेज के अंदर भी है, मिरांडा के अंदर भी है, लेडी श्रीराम में भी है, हंसराज कॉलेज के अंदर भी, जितने भी टॉप कॉलेज हैं सभी में हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है भाई हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, टेल एजुकेशन के लिए। आप भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं आज से ही, और ये मत सोचो कि यार कब से शुरू करें, बोर्ड्स के बाद करें, कब से करें। अगर मान लीजिए आप डोमेन्स टारगेट करें तो आपकी जो बोर्ड की तैयारी है भाई वो भी इसी सिलेबस से होगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है डोमेन्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये मत सोचो कि बाद में करें, तो अभी अगर आप करोगे तो आपके बोर्ड्स की तैयारी होगी, आपको बोर्ड्स भी फोड़ने हैं, प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम भी फोड़ना है बड़े कॉलेजेस के लिए, बढ़िया कॉलेजेस के लिए, राइट। सो कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, एप्टीट्यूड की हम लोग ईबुक्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको वहां पर मेंटरशिप देते हैं, डाउट्स आपके सारे सारे सोल्व होते हैं। और जिस तरह से मैंने अभी आपको फिलहाल गाइड किया है, मान लीजिए अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो अगर आपको कभी भी कोई इशू आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने हैं, कौन सी कॉलेज को मैं प्रायोरिटी के अंदर लिस्ट में लगाना है, तो अगर आपको कैसी भी दिक्कत आ रही है भाई, नॉन अकेडमिक साहब के सारे सारे जो डाउट्स हैं वो भी हम लोग सोल्व करते हैं। आप व्हाट्सएप पर हमें कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी हम लोगों ने एक मेंटरशिप का जो फीचर है वो हम लोगों ने दिया है कि स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई तो आपकी होगी होगी और वो बिल्कुल टॉप लेवल की पढ़ाई होगी, बढ़िया फैकल्टी के साथ पढ़ाई होगी और अपना रिजल्ट्स भी देख सकते हो। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ नॉन अकेडमिक जो डाउट है, आपके फॉर्म कैसे फिल करना है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे जो आपके डाउट्स है वो भी हम लोग यहाँ पे आपके सॉर्ट आउट करते हैं। और हम लोग व्हाट्सएप पर भी स्टेटस में मैं अक्सर लगाता रहता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, किसके कब होने वाले हैं, कब लास्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आज से अपनी जो तैयारी है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब ये मत सोचो यार बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर करते हैं तो कम से कम 4-5 महीने पहले उन्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, तब जाकर उनका सिलेबस कवर होता है और तब जाकर उनका टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। और देखिए आपको पता है अल्टीमेट एडमिशन आपका CUET के बेसिस पर ही होने वाला है, तो आपको भाई बोर्ड के साथ साथ CUET की पढ़ाई भी पूरी अच्छे से ही आपको करनी पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, एंड व्हाट्सएप पर आप में हेलो सेंड कर दीजिए और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए।